नमाज पढ़ते वक्त जय नमाज पर बिल्ली आ बैठे और उसे कितना भी हटाओ ना हटे, हम ऐसे ही सद्दा रुकू करें पूरी नमाज में वो ना हटे, तो ऐसी नमाज कबूल होगी या नहीं? देखिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आपने नमाज में बिल्ली को हटाने की कोशिश की, वो जानमाज से आपके हटने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने वो किया जो आप कर सकते थे। इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी नमाज में खलल पैदा कर रही है, और अगर आपको लगता है कि बाजू में जगह पाक है, वो नमाज़ पढ़ने जैसी है, आप जानमाज से हट कर बाजू में हो जा सकते हैं, नमाज बिल्ली आपके आगे से हट जाएगी, अगर नहीं हटती है तो आप बिल्ली के आगे से हट जाएं, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि वो आपके क़िबले के सामने आपके नहीं है तो आप उसको हटा नहीं सकते, तो आप अपने आप को हटा लीजिए, तो आप अगर जगह सही है तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाए नमाज पे ही नमाज़ पढ़े, नहीं तो नहीं होती नमाज, ऐसा नहीं है। अगर जगह पाक है, आदमी फर्श पर भी नमाज़ पढ़ ले, नमाज हो जाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं इसमें।